अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, ये बकरी मेरी इस तरह चल रही है, इसके पाँव की हमने मालिश भी की के बाद भी इस तरह चल रही है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बताएं ना आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक की ना, तो ये है ना संडे से ना बकरी बैठी नहीं है। इसको मैंने ना इंजेक्शन लगाया था सेलिवेट का पीछे गोश में, फिर उसके बाद से ये बैठी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर जी, आपने कैसे इंजेक्शन लगाया है? एक तो पहले माजरत, मैं रिप्लाई नहीं कर सका हूँ, दिन में काफ़ी मसरूफियत रही है। अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, तो आपका रिप्लाई आया दोबारा। अब आप इसको ऐसे करें कि इसको इंजेक्शन लगाना है पेन किलर, आपने नेक्सम के नाम से आता है, तीन तीन cc तकरीबन इसको लगाएं अभी, और 3 cc सुबह लगाइएगा, ये एक आध दिन इसको लगाएं, सेट हो जाएगी पेन इसको होगी लेग में। कोई इंजेक्शन आपसे शायद सही नहीं लगा जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है। ज़रा उसको चेक करना था ना कि वो कहीं पे गिल्टी शिल्टी तो नहीं बनी हुई इंजेक्शन की वजह से, गिल्टी बनी हुई हो या कोई सूजन हो कहीं पे जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया था, उस जगह को ज़रा चेक करें। वैसे जो आपने वीडियो मुझे सुबह भेजी थी उसमें तो वो उसके पाँव पे कुछ मसला लग रहा था, आप एक दफ़ा उसका बगौर मुआयना करें, किसी भाई को पकड़वा के ना कान उसका, तो उसकी टांग चेक करें अच्छे तरीके से, उसका पाँव चेक करें, एक खुर बड़ा हुआ है या उसके पाँव में कोई चीट चोट लगी हुई है या क्या मसला है, या जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है उस जगह पे कोई सोजिश है, कोई दाना बना हुआ है, कुछ इस तरह का कोई मसला है, ये पहले चेक कर लेना सर। तो फिर मैं इंजेक्शन की आपको तस्वीर भी भेज देता हूँ, वो इंजेक्शन लें, वो इसको लगाएं, पेन किलर इंजेक्शन है ये, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी।